भारत के हर राज्य की विशेषता ही हमारी संस्कृति की पहचान है। प्रत्येक राज्य का अपना इतिहास, भाषा, भूगोल, कला और संस्कृति है, जो विविधता में एकता की कहानी कहती है। ऐसा ही एक राज्य है गुजरात। यह भारत के पश्चिम भाग में है। इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। इसके उत्तर में राजस्थान है और उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की पहचान उसकी कई विशेषताओं से होती है। गुजरात में एक है वहां का पहनावा और नृत्य। तभी तो कहा जाता है रंग रंगीलो गुजराती। दूसरी है उसका ऐतिहासिक महत्व। गुजरात के शहरों में बनी विशाल और सुंदर ऐतिहासिक इमारतें उसे एक अलग पहचान देती है। गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों में से एक पोरबंदर है। पोरबंदर गुजरात का एक तटीय शहर है, जो अहमदाबाद से 425 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोरबंदर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे गीता मंदिर, गायत्री मंदिर, रामधुन मंदिर। इन्हीं में से एक है कीर्ति मंदिर। महात्मा गांधी यहां रहते थे, इसीलिए इस भवन को उनके याद में कीर्ति मंदिर के नाम से बनवाया गया। यह पहले 3 मंजिल का घर था। इसके नए रूप की नींव 1947 में रखी गई और 1950 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। 27 मई 1950 को आम जनता के लिए यह स्मारक खोला गया। इस मंदिर की ऊंचाई 79 फीट है, जो कि गांधी जी के 79 वर्षों के जीवन की सूचक है। इसके प्रवेश द्वार पर गांधी जी के संपूर्ण जीवन की कहानी क्रम से लिखी हुई है। अंदर जाने पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी की तस्वीरें रखी गई। उनकी तस्वीरों के नीचे सत्य और अहिंसा लिखा गया है, जो कि महात्मा गांधी के जीवन के मूल आधार थे। कीर्ति मंदिर में गांधी जी के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पलों की तस्वीरें लगाई गई। यहां पर स्थित संग्रहालय में गांधी जी से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह है। यहां के एक कक्ष में कस्तूरबा पुस्तकालय है और पास में वो कमरा है जहां गांधी जी अध्ययन करते थे। यहां का मुख्य भाग वह स्थान है जहां महात्मा गांधी पैदा हुए। उस जगह पर स्वास्तिक का चिन्ह बना है। इस तरह पोरबंदर का कीर्ति मंदिर महात्मा गांधी के पूरे जीवन को दर्शाता है।